सारे जो कलाकार हैं वो मुंबई से आए हैं, मुंबई से, और उनके मेकअप आर्टिस्ट भी मुंबई से आए हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स भी मुंबई से आए हैं, जितनी भी ज्वेलरी आप देख रहे हैं यानी जो कलाकार आप देख रहे हैं वो मुंबई से हैं, उसके साथ जितनी भी चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मुंबई से आई है। बात की हमने उन लोगों से तो उन्होंने बताया कि मुंबई का जो वड़ा पाव है वो दिल्ली के छोले कुलचों को बराबर टक्कर दे रहा है। लव कुश रामलीला साल में एक बार होती है, इसीलिए इसे देखने हजारों की तादाद में दर्शक जुटते हैं। दूर दूर से दर्शक यहाँ आते हैं, उन्हें कैसी लगती है ये रामलीला, क्या खास लगता है इसमें, सब कुछ बता रहे हैं दर्शक खुद अपनी जुबानी। हनुमान जी बच्चों के फ्रेंड होते हैं, बच्चों को हनुमान जी बहुत पसंद होते हैं। आप यहाँ रामायण देखने आए हो, पहले कभी देखा था या अभी देख रहे हो? अभी देख रहे हैं। रामलीला देखने आए हो, कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। क्या ये आपका फर्स्ट डे है या इससे पहले भी आए हुए हो? फर्स्ट डे है। अच्छा ये बताओ बेटा, आपने रामायण देखी है, रामायण के बारे में सुना है? हाँ। आपको कौन पसंद है पूरी रामायण? श्री राम। श्री राम? अच्छा श्री राम की फ्रेंड है हनुमान जी। हनुमान जी जब आते हैं तो वो जोर जोर से किनका नाम लेते हैं? प्रभु श्री राम का। आप भी एक बार बोल दीजिए जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल जय श्री राम के साथ। आप बताइए क्या नाम है आपका? आद्य वर्मा। क्या देखने आए हो आप? रामलीला। आप राम को जानते हो? क्या? आप राम जी को जानते हो? जा। कौन है राम जी? भगवान जी। हनुमान जी? नहीं, भगवान जी। जो लोग ज्यादा मॉडर्न हो जाते हैं वो ऐसी चीजों को मानना कम कर देते हैं, ये हमने अक्सर देखा। देखिए मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि आज के युवा अपनी संस्कृति से हट गए हैं। हम सभी का बहुत दिन से ये प्लान बना हुआ था कि एक दिन तो आकर, हमारे कॉलेज यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, पर ये प्लान था कि हम सभी चल के साथ में दोस्तों के साथ एक दिन रामलीला देखा जाए और अपनी संस्कृति से एक बार रूबरू हुआ जाए अच्छे से। तो बस प्लान बना, सभी दोस्त शाम को आ गए। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टोली है पूरी ये एकदम तैयारी करके आई थी कि हमें राम। अच्छा आपने बचपन में रामायण देखी? हाँ, एक्चुअली मैं हर बार जाती थी क्योंकि मैं मुरादाबाद से हूँ वैसे, तो मेरे पेरेंट्स मुरादाबाद की रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट थे। तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है पूरी रामायण में? पूरी रामायण में सीता। सीता, बिल्कुल, सीता, राम और रावण, इन्हीं पे पूरी रामायण जो है वो मेन फोकस है, कहते हैं ना कि मेरे फेवरेट हनुमान जी हैं। अगर वो नहीं होते तो फिर सीता माता भी वापस नहीं आ सकती थी। लव कुश रामलीला कमेटी को इस आयोजन के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हर साल इस आयोजन के लिए क्या बात उन्हें प्रेरित करती है, बात की हमने लव कुश रामलीला कमेटी के आयोजक से। दर्शकों से तो हमने बात कर ली है, अब हम बात करेंगे रामलीला के आयोजक से। लव कुश रामलीला कमेटी 5 दशकों से रामलीला का आयोजन कर रही है। सर बेहद खास ये रामलीला भी, जब हम दर्शकों से ही बात कर रहे थे तो बहुत उत्साहित कह रहे थे ऐसी रामलीला उन्होंने देखी ही नहीं। लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान का ये प्रयास होता है कि हर साल कुछ ना कुछ नया किया जाए। इस बार जो फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं वो चेहरे इतने सौम्य हैं कि दर्शकों का मन करता है कि बार बार इनको देखते रहें, क्योंकि उनके दिल और दिमाग के अंदर प्रभु राम और माँ सीता बसती हैं। इस बार हमने फिल्मी दुनिया के कलाकारों के साथ साथ उनकी ड्रेसेस भी मुंबई से बनवाई हैं, उनके मेकअप वाले भी मुंबई से आए हैं, उनके आभूषण भी वहीं से हैं, और ख़ास बात यह है जो बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर स्टंट डायरेक्टर हैं भारी भरकम टीम के साथ इस बार लव कुश रामलीला में हैं और हवा के अंदर करतब दिखाएंगे। तो दिल्ली के लाल किले पर लव कुश रामलीला नवरात्र से शुरू होकर दशहरे तक लोगों का मनोरंजन करती है और लोगों को अपनी संस्कृति और विरासत से रूबरू कराती है। कहते हैं रामलीला वो जरिया है जिसने जाति, धर्म और उम्र के भेदभाव को खत्म करने का काम किया है। पहले जमाने में गांव में जब रामलीला का आयोजन होता था तो पूरा गांव इकट्ठा होता था और एक साथ तैयारियां की जाती थी। हालांकि आज समय आधुनिक हो गया है, लेकिन आज भी जब रामलीला होती है तो पूरा शहर सज जाता है, मंच तैयार हो जाते हैं और लोग भी उत्सुक हो जाते हैं राम को देखने के लिए, सीता को देखने के लिए, सारे किरदारों से मिलने के लिए। 10 दिन की रामलीला में उन्हें जीने के लिए, यही वजह है कि लव कुश रामलीला कमेटी की रामलीला देखने भी हजारों की तादाद में दर्शक पहुंच रहे हैं और यहां पर जो किरदारों का अभिनय है उसका लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि रामलीला वो मंच है जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़ता है, जो हमें अपने इतिहास के बारे में बताता है।